ये पांचों पांच तरीकों से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको इनमें सबके सब चूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक तरीका चूज करना है। दोस्तों अगर आप यहाँ वहाँ फाबे मार रहे हैं, यहाँ वहाँ सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या फिर हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, जरा भी मिस मत करना। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनमोल चौधरी एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि टॉप 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। सो वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। इसमें सबसे पहला तरीका है ई कॉमर्स, यानी कि आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो रीसेलिंग करें या फिर आप डायरेक्टली अपने खुद के प्रोडक्ट को सेल करें। तो इसमें अपने दो तरीके हैं ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने के, जिसमें आपका सबसे पहला है वो है बुकॉमर्स। अब बुकॉमर्स में क्या होगा कि आपको एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर बुकॉमर्स नाम का प्लगइन जो इंस्टॉल करना होता है, और उसके थ्रू आप इजीली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना पाएंगे। अगर आपको नहीं पता ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो मैंने पूरा एक 30 मिनट का ट्यूटोरियल बना के रखा कि हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट। तो उसका लिंक मैं आई बटन में आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उसे आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। और वहां में आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है डोमेन एंड होस्टिंग। तो जब डोमेन एंड होस्टिंग की बात आती है, तो मैं सबसे पहले एक ही होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ, जिसका नाम है होस्टिंगर की होस्टिंग। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ पे होस्टिंगर के होम पेज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको 149 रुपीज पर मंथ में आपको यहाँ पर होस्टिंग देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको एक फ्री में डोमेन नेम और आपको 100 वेबसाइट आप यहाँ पर होस्ट कर पाएंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला तो ये बहुत ही सस्ती होस्टिंग है, लाइफ टाइम SSL मिलता है, बहुत सारे तगड़े फीचर्स है, बहुत अच्छी यहाँ पर SSD स्टोरी मिलती है। प्लस सबसे बड़ी बात है, इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक फ्री में डोमेन नेम मिलता है, जो कि 1 ईयर तक चलता है। तो अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप होस्टिंग परचेज कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला तो कि हमारा WooCommerce वाला तरीका, सेकंड वन इज Shopify। अगर आप Shopify के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक डोमेन की भी जरूरत पड़ेगी। आपको Shopify की वेबसाइट बनाने के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, बट उसमें आपको एक डोमेन चाहिए रहेगा। डोमेन आपको कहाँ से परचेज करना है, वो नेमचिप के ऊपर बहुत सारे ऑफर्स हमेशा चलते रहते हैं। तो मैं नेमचिप की भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर अपने हिसाब का अपने पसंद का डोमेन परचेज कर पाएंगे। ई कॉमर्स के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑनलाइन अर्निंग का, उसका नाम है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के थ्रू आप तीन तरीके से अर्निंग कर पाएंगे, सबसे पहला लॉन्ग टर्म, सेकंड वन इज इंट्राडे ट्रेडिंग एंड थर्ड वन इज म्यूचुअल फंड। अब तीनों तरीके आपको कोई भी एक स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करा देगा, जिसमें अपने मैं पर्सनली जो यूज करता हूं उसका नाम है ग्रो, एंड आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, आप स्टॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, उन्हें आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोनों में आप अकाउंट अपने फ्री में अकाउंट ओपन कर पाएंगे और आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और ये तो हमारा हो गया स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना यूट्यूब चैनल। अब यूट्यूब चैनल के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, उनके किस टाइप यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। उसमें आप तीन तरह की यूट्यूब चैनल होती है, सबसे पहला एंटरटेनमेंट, जिसमें आप कॉमेडी कर सकते हैं, वाइंस बना सकते हैं, इन शॉर्ट लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो ऐसी आप वीडियो बना सकते हैं। सेकंड वन इज इंफोटेनमेंट, जैसे कि हमारे ध्रुव राठियों के, जो कि इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है, तो आप इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इंफॉर्मेशनल, जो कि मैं हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता हूं, एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, कुछ स्कूल के रिलेटेड पढ़ा सकते हैं, कुछ कॉलेज के रिलेटेड पढ़ा सकते हैं, या फिर आप कुछ स्किल्स भी सिखा सकते हैं। तो वो हो गया इंफॉर्मेशनल्स में। ये तो कंप्लीट हो गया हमारा यूट्यूब का। अगर आपको यूट्यूब में अपना फेस दिखाना पसंद नहीं, आपको वीडियोस बनाना पसंद नहीं, तो आप सिंपली लिखकर अपने अर्निंग कर पाएंगे, जिसमें होता है अपने ब्लॉगिंग की चीज आती है। अब ब्लॉगिंग में आपको दो तरीके हैं ब्लॉग बनाने के, सबसे पहला है ब्लॉगर। अब ब्लॉगर के ऊपर आप दो तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला फ्री में डोमेन ले सकते हैं, यानी .blogspot, जैसे कि मेरा डिजिटल वैज्ञानिक, तो digitalvaigyanik.blogspot.com, इस तरह से हमको डोमेन देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रोफेशनल डोमेन लूंगा, जो कि मेरा है digitalvaigyanik.com, ये मेरा प्रोफेशनल डोमेन है। अगर आप ये प्रोफेशनल डोमेन लेंगे, तो आपको वही नेमचीप के ऊपर जाकर डोमेन परचेज करना पड़ेगा, एंड आप ब्लॉगर के ऊपर होस्टिंग फ्री मिलती है, यानी कि आपको सिर्फ डोमेन का प्राइस यहाँ पर पे करना होगा। देन दूसरा वर्डप्रेस, अगर आप प्रोफेशनली अच्छे से एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस की जरूरत पड़ेगी। और वर्डप्रेस में अगेन मैंने पहले ही बताया कि आपको डोमेन एंड होस्टिंग दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग दोनों अलग अलग परचेज करने जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 4-5 हज़ार के आसपास पड़ जाएगी। बट अगर आप होस्टिंग करके थ्रू होस्टिंग परचेज करते हैं, तो आपको लगभग 3-3.5 हज़ार के अंदर अंदर में आपको यहाँ पर डोमेन भी फ्री में मिल जाएगा, जो कि 1 साल की होस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए परचेज करते हैं, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर होस्टिंगर की लिंक प्रोवाइड करके रखी, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट बस सबसे ज्यादा अर्निंग प्रोवाइड करने वाला ऑप्शन है, उसका नाम है कमीशन बेस्ड बिजनेस। अब कमीशन बेस्ड बिजनेस में आपको सबसे पहले होता है अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, आप ब्लॉग के थ्रू भी अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। इन सब बहुत सारे तरीके हैं अफिलिएट मार्केटिंग करने के। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने लास्ट वीडियो एक बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आप चूज कर सकते हैं, यानी कि कौन से प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स आएगी, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आएगी, और वो बेस्ट प्रोडक्ट भी है।
तो इस तरह के प्रोडक्ट अगर आप जानना चाहते हैं कौन से है, तो मैंने आई बटन में ऊपर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, उसे जाकर वीडियो को जाकर आप कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है वो है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी कमीशन बिजनेस मैंने इसलिए लिया, जैसे कि अगर मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अगर किसी बंदे को सेल करनी है, दो लोगों को मिलाऊंगा और बीच का कमीशन मैं खाऊंगा। तो इस तरह से काम होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें की आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। आप चाहे तो किसी बिजनेस को एक बिजनेस कंसल्टेंसी दे सकते हैं, मार्केटिंग कंसल्टेंसी दे सकते हैं। उसमें आप बोल सकते हैं कि भाई आपके इतने प्रॉफिट का इतने परसेंट हम लेंगे, या फिर अपनी अपफ्रंट फीस चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके थे जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ये पांचों पांच तरीकों से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको इनमें सबके सब चूज करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक तरीका चूज करना है और उसी में अच्छे से काम करना है। उसके थ्रू आपकी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अर्निंग जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, तो वीडियो को लाइक कर देना 100% एंड चैनल को सब्सक्राइब बनाए करे बिना कहीं मत जाना। चाहे बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।